हर सजा कबूल कर ली हमने सर झुकाकर, कसूर बस ये था कि बेकसूर थे हम। हमें हर वक्त परमात्मा को याद रखना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे नास्तिक, जो लोग नास्तिक होते हैं वैसी बातें करेंगे, हम भी फिर उनसे वैसा ही, देखो जैसा होगा वैसा पाएगा, जैसा आप गुरु पर श्रद्धा रखोगे वैसी ही गुरु आप पर दया दृष्टि करता है। अब आपको एक मजाक की बात सुनाता हूं। जब हम अपने गुरु के पास रहते थे, हमारा एक गुरु भाई था, हमने सुबह उठ जाना और उसने 10-11 बजे तक, 12 बजे तक सोता ही सोए रहना। एक दिन गुरुजी कहते, भाई उसे उठाओ, इतने लेट तक सोता रहता है। मैंने कहा, गुरुजी मैंने तो एक दो बार कोशिश की है, आगे से गलत ही बोलता है, मैं तो नहीं बोलूंगा। गुरुजी कहते, एक बार तो उठा, हम देखते हैं। साथ ही वो आ गए। जैसे ही मैंने, अच्छा आपको पखंड की बात बता रहा हूं, लोगों में पखंड कितना है। जैसे ही मैंने उठाया, मुझे कहता, ओहो महाराज आपने तो बहुत गलत कर दिया, आपने मुझे उठा दिया। मैंने कहा, भी क्या हुआ, क्या गलत कर दिया मैंने। कहता, आप सोच रहे हो कि मैं सोता हूं 10 बजे तक 11 बजे तक, मैं सोता नहीं, मैं तो स्वर्ग में होता हूं। और हमें बहुत हंसी आई कि भैया ठीक है, तो स्वर्ग में होता है, स्वर्ग में से थोड़ा जल्दी उतराया कर। महाराज जी ने उसे डांटा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपने कुछ महात्मा देखे होंगे, आंखें बंद करके पता नहीं भाई क्या नशा करते हैं, क्या वो करते हैं, क्या नहीं करते, परमात्मा जानता है। मुझे तो पता नहीं, आंखें बंद होंगी, ऐसे बैठे होंगे। बताओ, आपको आज एक बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया बात बताता हूं। जो पूर्ण सतगुरु होगा, पूर्ण गुरु होगा, वो कभी भी जब उसकी संगत, उसके बच्चे बच्चियां उसके पास आए होंगे, वो कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठेगा। पूर्ण सतगुरु का, पूर्ण गुरु का परमात्मा की तरफ से ड्यूटी होती है, वो अपनी संगत पर दृष्टि डालता है, अपनी संगत को देखता है। पूर्ण सदगुरु की अपनी संगत पर दृष्टि डालने से उनके कर्म कटते हैं, गुरु के दर्शन करने से उनके कर्म कटते हैं, गुरु की पूजा करने से उनके कर्म कटते हैं, गुरु के अपने घर में चरण डलवाने से घर में से जो बुरी चीजें होती हैं वो बाहर भाग जाती हैं। लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए, गुरु पूर्ण होना चाहिए, पखंडी नहीं होना चाहिए। इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आजकल लोगों का पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा धीरज रखना पड़ेगा। सारी संगत, जितने लोग आप बैठे हो, आप सभी को बोल रहे हैं कि सुबह उठकर नाम सिमरन जपा करो, रात को भी सोने से पहले। आप ये देखो, छोटा बच्चा जब, अब मैं कहानी सुनाता हूं, जो छोटा बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है, आपने देखा होगा जन्म लेते ही वो बच्चा बहुत ज्यादा रोता। क्यों? बच्चा जब जन्म लेता है उसका
परमात्मा से जब थोड़ा सा कनेक्शन टूटता है ना, वो रोता है। कुछ महात्मा लोगों की आपने बात सुनी होगी, शब्द सुनना चाहिए। लोगों के मन में एक चीज ही बैठ गई कि पता नहीं जो शब्द ये गाने होते हैं, जो शब्द ये कलाकार गाते हैं, ये शब्द सुनने चाहिए। नहीं भाई, ये शब्द नहीं है। शब्द वो है जब गुरु आपको नाम देता है, भजन सिमरन देता है, आपको बिल्कुल एकांत जगह पर बैठकर, जहां कोई शोर शराबा ना हो, वहां पर जो गुरु ने आपको नाम सिमरन दिया होता है, जब उसका आप जाप करते हो सच्चे मन से, आपके अंदर जब उजाला होता है, फिर आपको अपने अंदर से शब्द सुनता है। उस चीज को शब्द बोला जाता है, और जिसको वो सुनने लग गया, उसका परमात्मा से एक बात हो जाती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। गुरु गुरु बिना इस संसार में से गति नहीं है। इसीलिए इसीलिए गुरु धारण करना चाहिए। एक चीज बोलना चाहता हूं लास्ट में, जो सत्संग का टाइम होता है, टाइम इसीलिए ही दिया जाता है कि आप उस समय पहुंच जाएं। देखो, जो जल्दी आते हैं वो सबसे आगे आगे बैठ जाते हैं, जो लेट आता है वो उससे पीछे कहां तक बैठे हुए हो आप, और जो सबसे लेट आता है, क्योंकि इस तरफ से आना पड़ता है सामने से जोड़े जमा करवाकर, जो सबसे लेट आता है, सभी का ध्यान सत्संग में से उसकी तरफ चल जाता है। कौन आ रहा है, बैठना तो उसने पीछे ही होता है, लेकिन एक बार सबका ध्यान उधर चले जाता है। इसलिए टाइम से आओ, भजन सिमरन करना चाहिए, नाम दान लेना चाहिए, गुरु वाले बनना चाहिए। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल, नमो नारायण।